साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीज से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आपको पता भाई दुबई का तो हम तो गुणगान करते ही रहते हैं। जो सही होता है, जो सही करता है, चाहे कंट्री हो, चाहे आदमी हो, चाहे सरकार हो, जो सही होता है उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। बात करेंगे दुबई वीज से रिलेटेड। तो साथियों बहुत सारे, देखिए मैंने हर बार बताता हूँ कि भाई दुबई एक ऐसी कंट्री है कि सबसे स्ट्रिक्टली फैसले लेने वाली है, आप लोगों के बारे में भी सोचती है, लेबर हित में यही दुबई जितना सोचती है ना उतना कोई कंट्री नहीं सोचती। और जो भी उन्होंने काम किए हैं COVID-19 के दौरान, कोरोना के दौरान, आपसे संबंधित जितना कोई भी कंट्री ने ऐसे अच्छे कदम नहीं उठाए। जी हाँ साथियों, एक कदम और अच्छा आप लोगों के लिए उठाया, विजिट वीज़ा से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड, रेजिडेंशियल वीज़ा से रिलेटेड हम बात करेंगे। कल नाइट को ये रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी 8-9 बजे के करीब। अभी ये बात आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो अच्छी न्यूज़ मैं बता दूँ, दुबई गवर्नमेंट ने कल संडे की डेट में घोषणा कर दी, जी हाँ साथियों, 21 जून को, कि 7 जुलाई से विजिट वीज़ा दुबई गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है। जी हाँ साथियों, विजिट वीज़ा 7 जुलाई से ओपन हो जाएंगे। 22 जून से 23 जून से किसी भी प्रकार के लेन देन, यानी नॉर्मल भाषा में बोले तो आ जा सकते हैं किसी भी प्रकार का वीज़ा, रेजिडेंशियल वीज़ा या कोई भी आदमी है, आप दुबई से बाहर गए हैं अपने देश, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, तो आप अपने देश से वापस दुबई जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, 22 और 23 जून से ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। विजिट वीज़ा 7 जुलाई से गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं। 7 जुलाई से आप दुबई जा सकते हैं विजिट वीज़ा वाले। जी हाँ साथियों, तो भाई अच्छी न्यूज़ ये है। और विजिट वीज़ा में भाई ज़्यादातर लोग विजिट में जाके वहाँ जॉब से रिलेटेड जाते हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन मौका दुबई गवर्नमेंट ने दिया है आपकी भावनाओं को समझते हुए। और ये दुबई गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है साथियों वर्ल्ड में कि सबसे पहले इन्होंने ये कदम उठाए हैं। जी हाँ साथियों, टूरिस्ट वीज़ा 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंडीशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट आपकी होनी ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, अगर रिपोर्ट पास में नहीं होगी तो भाई एयरपोर्ट पे आपकी जांच की जाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गई तो 14 दिन आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा अपने खर्चे पे दुबई में। जी हाँ साथियों, वो पैसा आपका लगेगा। लेकिन बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है भाई। आपको पता है दुबई गल्फ कंट्रीज में कहीं चले जाओ हेल्थ इंश्योरेंस तो मांगते ही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है, अगर नहीं होता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है आप लोगों के लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अब आप कहाँ से करवाते हो, क्या करवाते हो, आप अपने स्तर पर देख लीजिए। एयरपोर्ट पर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। जी हाँ साथियों, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि कंप्लीट आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपकी समस्या वगैरह वो फॉर्म से रिलेटेड है, एयरपोर्ट पे वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड कंडीशन नहीं रखी है भाई, COVID-19 रिपोर्ट आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, वो तो होनी ज़रूरी है, वो अगर होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा, आपका खर्चा लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, फॉर्म एयरपोर्ट पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, 7 जुलाई से भाई तैयार हो जाइए दुबई जाने वाले। दुआ करें, उम्मीद है इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट स्टार्ट हो कर दें इधर से इंटरनेशनल फ्लाइट, तो भाई इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार बैठे हैं, वहाँ जाके अपने हिसाब से कोई जॉब वॉब सर्च कर सकते हैं। दुबई जाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं मान सकता हूँ। दुबई गवर्नमेंट ने सबसे पहले कदम उठाते हो भाई, ये सबसे बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुबई गवर्नमेंट को। और उसके लिए विजिट वीज़ा के साथ रेजिडेंशियल वीज़ा या फिर वहाँ के नागरिक कोई भी हो, किसी भी तरह का वीज़ा, वो भाई आप दुबई जा सकते हैं। तो आप लोगों के साथ ये बड़ी सी न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही विजय से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।